रीजन बता आपको? बताओ गाइस, इसकी ओवरहीट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, और जो सिटी के अंदर भाई साहब इसकी कोई एवरेज नहीं है। अब थंबनेल में लोगों ने देखा कि आप इससे परेशान हो। परेशान तो भाई साहब बस क्या बताएं आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोर एरिया 69। आज जो बाइकों का दौर चल रहा है उसके अंदर अलग बाइक निकल के आती है। आपके सामने जो खड़ी है हार्ले डेविडसन, देख सकते हो आप, ये पूरी प्रॉपर बाइक है, 750 सीसी बाइक है। ये बाइक खरीदने के बाद आज 8 साल पूरे हो चुके हैं इसको, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें क्या चीज़ें दिक्कत आई है, तो अपने इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। सबसे पहले इसके ओनर से मिलवा देता हूँ। और भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, क्या हाल है भाई साहब? और भाई साहब क्या नाम है आपका? बता दो। मेरा नाम हिम्मत वर्मा। और ऑक्यूपेशन बता दो। बस यही है, बाइक्स का शौक, फुल दूर जाओ बैठ जाओ, बाद में टैंकी भरा के जब खाली हो ना हो तब तक रुको मत। आपका नाम है जी? मेरा विशु है। अच्छा, और इसके जो कीड़े होते हैं वो मैं पूरे करता हूँ। शौक मतलब कह सकते हैं इसे, बड़ी चीज है। तो सबसे पहले बता दो यार, ये बाइक बता दो आप कि इतनी शानदार बाइक आप कहाँ से खरीद के लिए आए हो, पहले ये बता दो मेरे को। ये भैया हमने ऑन ऑर्डर बनवाई थी। कस्टम कह रहे हो? कस्टम नहीं, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये अपने जयपुर से हार्ले डेविडसन के शोरूम से ली है अपनों ने। अच्छा, और ये अपनों ने 2015 के अंदर ओनरशिप दी इसकी अपनों ने, और आज करीब अपने 8 साल हो गए अपने पास इसको, और बहुत ही बढ़िया चल रही है। कुछ इसके साइड इफेक्ट भी है, वही जानने आए मेन तो वीडियो में कि क्या नुकसान आपको लग रहे हैं, आपने इतने पैसे लगाए हैं। पैसे भी बहुत लगे हैं। हाँ चलो बता ही दो फिर, ज्यादा नहीं लगे, बता दो फिर अपने, मतलब बता दो फिर अपनी जनता को कितने लगे। इसके पैसे लगे जी पूरे 7 लाख रुपए, और आफ्टर मार्केट एक्सेसरी लेता तो मुझे लगता है 1 लाख रुपए तो आराम से और लग जाते। अच्छा, इसका मैंने बैक रेस्ट नहीं लिया क्योंकि पैसे कम रह गए थे ना, भैया कहते बहुत है बाद में लगवा लेंगे लोहार से बनवा के। लोहार से? तो आपको ये जो बाइक है इसके कॉम्पिटिशन और बहुत सी बाइकें आती है, आती है ना, तो इस पे क्यों गए पहले वो बता दो हमारी जनता को। मैं तो इन पे गया, ये वहाँ शोरूम चले गए, ये वहाँ चले गए, तो फिर आप बता दो। देखो जी, बाप तो बाप ही होता है, चाहे कितनी कंपटीशन में बाइकें आ जाए, और चाहे 350 cc बुलेट आ जाए, 650 cc बुलेट आ जाए, इंटरसेप्टर आ जाए, मिटियोर आ जाए, कोई भी आ जाए, पर हार्ले डेविडसन नाम था है और हमेशा ही रहेगा ये चीज़। अच्छा, तो इसको लेने का रीजन यही था भी, एक ये ऐसी बाइक है भी इस पे लेडीज भी बहुत इजीली बैठ सकती है। मैंने ये देखा है कि स्पोर्ट्स बाइक के अंदर अपने मदर्स को, अपनी वाइफ को बिठाना बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। हार्ले डेविडसन स्पेशली कपल के लिए बहुत अच्छी बाइक है, और 750 cc इंजन है, मतलब ऐसे मान लो कि आपको ये फील होता है कि मैं एक घोड़ा चला रहा हूँ। घोड़े की इतनी पावर होती है कि आपकी बॉडी शिवरिंग करने लग जाती है। ये चीज़ है, तो बस यही रीजन था भी थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट लेने का, और इसकी जो रिएक्शन है उससे हमारे पैसे पूरे हो गए। हाँ, जैसे ये बुलेट आई है तो आजकल हर कोई लेके घूम रहा है, उस हिसाब से इससे कुछ अलग निकाल के आपने कुछ खरीदा ना? बुलेट का पड़दादा समझ लो इसको। इसका बुलेट का पड़दादा ये हो गया, इंटरसेप्टर का बाप हो गया ये। आप इसको बाप तो कह रहे हो, तो बाप वाली इसकी खूबियत दिखाओ, खासियत दिखाओ। मतलब इसका एग्जॉस्ट साउंड इतना लाउड है कि इंटरसेप्टर के 2 एग्जॉस्ट, चाहे कोई रिसीवर लगे उसे गुरसेवक के या कोई भी ग्लोबल के, कोई भी उसके एग्जॉस्ट लगे हो तो, परंतु इसका 1 एग्जॉस्ट ही है ना उसकी बोलती बंद करवा देता है, और ये हमने बहुत बार कर चुके हैं। और गाइस आपको फिर साउंड सुना दी जाए ना? हाँ, तो बाप की गला सुना दो, बाप का गला कितना दे जाए वो सुना दो। बाप का गला मैं बताऊँगा आपको, बाप को भी दूध पिलाया और पेट्रोल पिलाया। इसका साउंड बंद होता था ऐसा लगता है कितनी शांति है। बाप ने पूरा मोहल्ला चक लिया। पूरा मोहल्ला क्या मतलब, ये आधे शहर को उठा लेता है भाई, मैं स्टार्ट हो गया हूँ आप उड़ जाओ।
और टाइम हो गया मेरा बाहर निकल। आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, जैसे ही मैं बाइक स्टार्ट करता हूं तो मैं सभी को बोलता हूं गुड मॉर्निंग माय नेबर, सामने से आ जाती है फक यू, फिर हम बोलते हैं फक यू टू, फक यू टू है। चलो फिर बताओ इसको आपने जो ऑन कैश लिया या ईएमआई कराया उसको थोड़ा बताओ क्या सीन था। ऑन कैश है, ईएमआई वाले पैसे नहीं थे हमारे पास। अच्छा कैश में ले, चलो कैश में ले लेते हैं ना, मोटा पैसा। मोटा पैसा गाइस, ये आफ्टर मार्केट लगवाया हुआ है हमने। अच्छा 40,000 का ये हमें मिला है, एग्जॉस्ट है जो कि स्क्रीमिंग ईगल का एग्जॉस्ट है, और इसका ओरिजिनल एग्जॉस्ट पड़ा है अंदर, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद में स्टिकरिंग करवाई है पूरी हार्ले डेविडसन एंड अमेरिकन लीगेंड। ये कहां से करवाई है? ये भाई साहब ये हमारे है यहाँ गंगानगर के अंदर विक्की आर्ट्स। अच्छा बहुत ही शानदार, मतलब वो करते हैं ये सारी आर्ट्स उनसे करवाई है क्या? फ्रंट में देख सकते हो, सारी नहीं बोल सकते, ये आइडिया मेरे बड़े भैया का है। अच्छा ठीक है, ये प्रॉपर फ्लैग प्लस जो ये पूरी वायर लगी हुई है सारा उनका, इनका आइडिया है। वैसे ये बाइक तो स्वाद ही लेता हूँ, आइडिया तो इनके ही है सारे, राय ये सब कुछ यही करवाते हैं, मैं तो हाँ या ना का जवाब देता हूँ। तो उसके बाद में आफ्टर मार्केट लगवाया हमने लेग गार्ड इसके, ठीक है। उसके बाद में फॉग लैंप लगवाए हमने, ठीक है। ये कुछ बटन्स हैं जो इनको ऑन ऑफ कर देते हैं, फ्रंट की हेडलाइट, फ्रंट की हेडलाइट भी है, ये यहाँ से ऑन हो जाते हैं लैंप। अच्छा ये पूरा कस्टम है सर? कस्टम पूरा। और ये भी आफ्टर मार्केट है, आफ्टर मार्केट ग्रिप्स होगी, एंटी ग्रिप हैंडल ग्रिप्स, आफ्टर मार्केट नंबर प्लेट होगी, साइड नंबर प्लेट बोलते हैं इसको, दिखा देते हैं एक बार। ये स्टिकरिंग पूरी 19 से करवाई है ना? हाँ ये बाद में कराई है। और टोटली मैट है गाड़ी, मैट लेमिनेशन बोलते हैं जो अपने। और उसके बाद में बाकी सर्विसिंग वगैरह होती रहती है, कुछ ऐसे स्टिकर्स आते हैं जो कि एक यहाँ लगता है, ठीक है, एक इस पे लगता है, एक यहाँ पीछे और लगता है, तो वो पूरे सिल्वर कोटेड होते हैं, ओरिजिनल सिल्वर बोलते हैं, जैसे चांदी उसके होते हैं वो। तो वो पीछे वाला 8800 का है, यहाँ पे जो लगता है वो एक करीब इतने का 9000 के, स्टिकर स्टिकर सही बताओ स्टिकर सच्ची। अच्छा हाँ, ओनली स्टिकर जो मेरे पास ब्लू हार्ले जो फादर साहब लेके गए हैं उस पे जो लगी हुई है, तो वो सारी एक टू जेड सिल्वर कोटेड है पूरी, ओरिजिनल चांदी बोलते जिसे। और उसमें तीन जगह लगा रखे मैंने ऐसे, इसलिए यहाँ यहाँ ये तीन स्टिकरिंग करा रखे हैं, प्लस उसके बैक रेस्ट है जो लगी हुई है, और उसके भी एग्जॉस्ट लगवा रखा है मैंने स्क्रीमिंग ईगल का। और ये गाड़ी अपनी चल गई है देख लो गाइस, आपके सामने मीटर है 8 साल के अंदर, देखो टेक्निक और भी है ये देखो आप, सीधा अगर चाबी ऑफ हो तो भी होना जाता है। अच्छा 11,791 किलोमीटर कम ही चलाई है यार, सालों 8 साल यार, थोड़े इसके वो इफेक्ट आपको बता रहा हूँ ना, जो नेगेटिव इफेक्ट है ना। तो आप ये पहले ये बताओ नेगेटिव, चलो बाद में बात करते हैं अपने। आप एग्जॉस्ट की बात कर रहे हो, जैसे ये तो आपने चेंज करवाया है, जो कंपनी के थ्रू आता है उसकी साउंड बताओ क्या, मतलब कुछ सुनने लायक है क्या साउंड उसकी? विसल सुनती है, विसल। अच्छा विसल की साउंड है उसके अंदर, इतनी धाकड़ नहीं है मतलब साउंड, है ना, इतना बेस लाउड नहीं है वो, ताकि अपने जो जनता है वो भी परेशान ना हो। हाँ वो चीज है, देख रेख में भी कंपनी थोड़ा सोचती है ना, सारों को जरूरी थोड़ी है एग्जॉस्ट की आवाज ही पसंद हो, कईयों को बैटरी वाली स्कूटरी पसंद होती है वाली, थोड़े आक्रामक बंदे हैं तो अपने को थोड़ा आक्रामकता चाहिए, इसलिए बस एग्जॉस्ट लगवा लिया। एग्जॉस्ट कहाँ से लगवा दिया आपने? एग्जॉस्ट मंगवाया था हमने दिल्ली से भाई साहब, दिल्ली से मंगवाया था, और यहाँ तो मिलता नहीं है, अपने जो सिटी छोटी है थोड़ी, दिल्ली से मंगवाया, इंपोर्ट कराया वहाँ से। अब थंबनेल में लोगों ने देखा कि आप इससे परेशान हो, परेशान तो भाई साहब बस क्या बताएं आपको, बता दो बाकी पेट्रोल सर्विस उससे परेशान नहीं है हम। तो गाइस इसकी ओवर हीट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, रेडिएटर लगा हुआ फिर भी इसमें, रेडिएटर से तो बिल्कुल ज्यादा, क्योंकि ये चलेगा पीछे हवा फेंकेगा, एयर फ्लो पीछे की तरफ होगा, ये चीज है ना, तो ये चीज सुन हो जाती है, मतलब सर्दियों में फायदा है। गर्मियों के अंदर तो भाई साहब इस पे 6 महीने चढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही गर्म ही रहता है, इस पे यहाँ चढ़ के सेल्फ मार दी तो ये पूरा हीट है ना, पूरा हीट यहाँ आएगा। और उसके बाद में जो अपना ये ब्रेक ऑयल का यहाँ पास दिया हुआ बिल्कुल है ना, तो ये क्या ब्रेक ऑयल बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, अब जो थोड़ा ये क्या कहते हैं गाढ़ा है, बिल्कुल पतला हो जाता है हीट की वजह से ना, मारते हैं ना तो ये क्या ब्रेक नहीं लगते इसके, ब्रेक नहीं लगते, तो कई बार गाड़ी स्पीड हो अगर गर्मियों के अंदर तो अपने ब्रेक मारे तो ब्रेक नहीं लगते, तो बाई चांस एक्सीडेंट भी हो सकता है वो भी है। और दो इंजन है ठीक है, यहाँ कोई सिस्टम नहीं दिया गया ताकि हमारे थोड़े पैरों को सुरक्षितता मिल सके ना, हीट तो जैसे अब रॉयल इनफील्ड हो गया हंटर है उसमें भी आ रही है,
स्टैंडर्ड में भी आ रही है, वो तो जावा में भी आ रही है। तो चलो 350 सीसी एक होता है सेकना, एक होता है जला देना। वो चीज है, वो फर्क है। फिर बाप इसे कह रहे हो तो आप इतना तो ये करेंगे ना, उसमें वो भी तो नहीं लगा ना, रेडिएटर नहीं लगा उन 350। नहीं, जावा में लगा हुआ है रेडिएटर। जावा में लगा होगा, हंटर में भी आ रहा शायद। हंटर में नहीं है आई थिंक। तो वो क्या ना, इसका पंखा भी बहुत बड़ा यार, देखो पास में लेके आओ। तो ये जो फैन लगा हुआ ना, इसमें काफी बड़ा है फैन। तो ये इतनी स्पीड से पीछे फ्लो मारता है कि इसकी जो हीट है वो जितनी आनी चाहिए वो तो जो चलने पे आ ही रही है, उसके बाद जो इसका जो फ्लो मारता है ना वो और जला देता है। तो इसके यहाँ आते हैं वो, इनको बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं इसको, हीटिंग पैड बोलते हो, वो लगवाने पड़ते हैं। पर उससे भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है, उसमें भी फिर मोटा पैसा मांग लेगा मेरे ख्याल से। मोटा पैसा भी मांग लेगी, बाहर खड़े हो तो उतार के ले जाती जनता। ये क्या सामान लगा हुआ, घर पे लगाएंगे। तो ऐसा हुआ था, पहले मंगवाया था, लेके मट्टी हो गए। अब क्या कर सकते हैं, किसी को ऐसे पूछ नहीं पकड़ सकते ना किसी की। और आप बात कर रहे थे जैसे इसके माइलेज की, वो बता दो फिर। माइलेज भाई साहब लंबे में तो इसकी एवरेज है 18 के करीब दे देता है। बढ़िया दे देता है 18 की लंबे, मेरे को तो नहीं लगता है 18 के दे देते हैं। अब क्या बताएं यार, ऐसे कोई कहेंगे भैया बात कर रहे हैं। तो और आपने टेस्ट की है मतलब मेल ना, टेस्ट की है 8 साल में, इतना तो पता लग ही जाता है। और जो सिटी के अंदर भाई साहब इसकी कोई एवरेज नहीं है, इसको घर से पेट्रोल पंप लेके जाओ तो ऐसे करने लग जाता है 200 रुपए। वहां से आओ तो घर पे आती है तो 200 रुपए। तो मतलब लगभग सिटी के अंदर इसकी मान लो 7-8, 7-10 अगर ज्यादा ही रोड खुली है सिटी की तो 10 दे देगा। बाकी आप ब्रेक करो, क्लच करोगे, ब्रेक करो, क्लच करो तो ये 7 पे आ जाता है। अपने गोल बाजार में लेके तो 3-4 पे आ जाएगा ये। वो आ जाएगा चलो, पर हीट फिर शहर सिटी के अंदर तो इतना हीट होता है ना, साथ वाली बाइक के भी जो खड़े होते हैं ना ट्रैफिक के अंदर, वो भी कहते हैं वही बात है, बाप चलाएगा मोहल्ले वालों को पता लग जाता है भाई बाप ने चला दिया ना, ये चीज है। थोड़ा हीटिंग का इशू है, बाकी तो कोई इतना इशू नहीं है। पोस्चर भी अच्छा है, बढ़िया कंफर्टेबल पोस्चर है, ठीक है। और अगर हीट ना हो वैसे ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है, जितनी स्पीड देगी ये 180 पूरा चढ़ जाता है भाई साहब, पूरा A to Z। टॉर्क भी बहुत अच्छी है इसकी और ब्रेकिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। और हैंडलिंग बताओ, हैंडलिंग टाइट होती है इन जैसी बाइकों की? नहीं नहीं, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये बाइक आप खरीद कर जयपुर से लेके आए हो, तो अब सर्विस सेंटर यहाँ पे तो नहीं होने वाला, ये तो हर किसी को पता है। सर्विस सेंटर यहाँ नहीं है क्योंकि अब फिलहाल हार्ले भी बंद हो चुका है पूरा इंडिया के अंदर। तो हार्ले का बंद होने का रीजन बता आपको, बताओ भैया बताएंगे, भैया आना यार, विशु भैया हार्ले बंद होने का रीजन बता दो यार थोड़ा सा, जल्दी आओ यार, वीडियो चल रही है, बिजी है वो मेरे लगता है, लंबी हो जाएगी वीडियो, जब तो नाराज हो जाएगी। नहीं मैं तो आपसे सुनूंगा, जल्दी आ जाओ, मैं ऐसे गलत बता, अब वो लेके आए तो वो बताएंगे फिर। हाँ बता दो फिर क्या कारण है ऐसा। अरे का इंडिया से जाने का एक ही रीजन था कि ऐसे मान लो जैसे BS6 के अंदर ये गाड़ी पास नहीं थी, इसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था, ये भी चलो कोई ना व्यवस्था हो जाती, पर सरकार का ये था भी हार्ले डेविडसन का साउंड इतना ज़्यादा है तो आप इसको बंद करो। तो वो जिद वाली बात थी, कहते हम सर कटा सकते हैं पर सर झुका नहीं सकते। अच्छा, उन्होंने क्या किया, अपने साउंड की वजह से इंडिया में बाइकें बेचनी बंद कर दी और अपने वापस जहाँ का इसका प्रोडक्शन है वहाँ चले। ये चीज़ एक आवाज के लिए हार्ले, जो बंदा 40-50 लाख रुपए फैट वो पे लगाएगा, आवाज ही नहीं है तो फिर क्या मजा, फिर क्या फायदा है। जब इसलिए वो सोचते हैं भी यहाँ साउंड बंद करो, जनता परेशान होती है, परंतु हार्ले कहता नहीं, हमारी जो जनता है हमारी इससे सर्टिफाइड है, तुम्हारी नहीं है तो तुम जा सकते हो। इंडिया तो के लोग इसको शोर कहते हैं, वहाँ के लोग इसको मोटिवेशन मानते हैं, आवाज से मोटिवेट होते हैं। अच्छा, ये चीज है, अंदर की बात है थोड़ी। और जॉन इब्राहिम है, उससे का एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें इससे पूछा गया था, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो किक देती है? वो कहते हैं कि मुझे बाइक की आवाज़ है जो मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने देती। हाँ, एक जैसे MS सर, धोनी सर हो गए, उनके पास तो बहुत बड़ा कलेक्शन है हार्ले का। और वो सर्विस बताओ फिर, आपने सर्विस कराई हो क्या, कुछ खर्चा आया? सर्विस का खर्चा देखो, यहाँ से ले जाने का लाने का, पहले तो इसको जयपुर लेके जाओ, ठीक है, पहले लेके जाता था मैं, अब आ जाता हूँ, अब तो
अब तो जो बंद हो गई है, तो उसके जो वहाँ के मिस्त्री हैं उनको फ़ोन नंबर लिए हुए हैं, तो उनको फ़ोन कर देते हैं तो घर पे आके कर इसलिए चले जाते हैं। ठीक है, मेन नॉर्मली सर्विस कराएंगे तो 8,000 ऑयल चेंज करा दिया, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, ठीक है, क्लच वगैरह होगी। अगर कई बार इसके लेदर पैड है जो 8,800 रुपये के हैं, एक आगे वाले लेदर 8,800 के, पिछले 8,800 हो गए, तो ये कम से कम 10 से 1,000 किलोमीटर बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो 10,000 किलोमीटर तो देखने की लोड़ नहीं है, वैसे भी एक सर्विस में 10,000 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी। ठीक है, बाकी अपने भी हैं, 5,000 रुपये करा लो तो और ही बढ़िया है। और मैं कहा था भी नॉर्मल ऑयलिंग करवाएंगे इसकी तो 8,000 रुपये खर्चा आएगा नॉर्मल। और उसमें 8,000 के अंदर क्या है, अभी जो आएगा वहाँ से मिस्त्री, उसका आने जाना रहना खाने का फिर बीच के अंदर नहीं होगा, वो अलग से देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और ये सिर्फ ऑयलिंग का है, ऑयलिंग और सर्विस का। उसके अलावा अपने कोई पार्ट्स डलवा रहे हैं तो उसका अलग ही खर्चा हो गया ना। अगर अपने जयपुर बाइक लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसके अंदर गाड़ी तेल पी जाती है 10,000 का आने जाने का। ठीक है, और वहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा सामान डाल देते हैं, वो सर ये भी खराब, ये भी खराब है, वरना आप नहीं डलवाओ तो गारंटी आउट हो जाएगी, ऐसा करके कुछ कर देते, कम से कम 20,000 रुपये पड़ जाती है। वो तो लूटने की बात करते हैं, बस 20,000 रुपये सर्विस के पड़ जाते कम से कम, बाकी खुद पे है यार। ठीक है, कई कई तो लोकल मिस्त्री से भी करवा लेते हैं सर्विस वगैरह ना, क्योंकि ऑयल एक तो हार्ले का खुद का और एक सिंथेटिक ऑयल बहुत आते हैं, कैस्ट्रोल के, मोटुल के, इसमें सिंथेटिक डलता है, नॉर्मल नहीं डलता। इसका सिंथेटिक ऑयल ऐसे है ना भी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो सकता है ना उसको, वो उस पर रह सकता है। अब नॉर्मल ऑयल का डालेंगे ना बाइक का ऑयल, तो वो क्या है, चक लेता है ऑयल, मतलब वो जल जाता है, जल जाता है। 100 डिग्री से ऊपर जाती है वो ऑयल, जलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि छोटी बाइक का इतना टेम्परेचर नहीं होता। तो इसका तो काफ़ी टेम्परेचर है, मेरे को नहीं पता वैसे, पर इसका टेम्परेचर काफ़ी है, तो इसके लिए इसमें सिंथेटिक ऑयल ही डलता है, नॉर्मल नहीं डाल सकते। मैंने सुना अभी ये बेच रहे हो, अब बेचने का मन तो नहीं है, बाकी क्या सोचें। सुना तो है मैंने ऐसा कुछ, हाँ सुना है क्या, चलो 48 लाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ सेल कर दें अभी थोड़ा इससे ऊपर। हाँ, इससे ऊपर 48 चाहिए अपने को, और तब ये सेल कर सकते हैं अपना कोई। अच्छा, क्या कुछ प्राइस डिमांड कर रहे हो वैसे इसका? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ साथ के साथ ही मिल जाए। वो तो पूरी सूरी बात कर रहे हो आप, है वही तो, देखो पैसे को कौन मना करता है, जितने आओ आने दो ना, आने दो। तो इसकी डिमांड है हमारी 3.5 लाख रुपए, और ये 2016 मॉडल है, और 2015 नहीं था क्या, 15 लास्ट 31 तारीख। अच्छा 31 तारीख है वो, और इंश्योरेंस वो सारा कुछ 16 में हुआ है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, ठीक है, उसके बाद में आरसी, ये सेकंड ओनर अभी फिलहाल। अच्छा, और उसके बाद में नाम करवानी अनिवार्य है, मतलब बंदा अपने ओनरशिप लेगा तो ही देंगे गाड़ी, ऐसे नहीं भी आप स्टाम्प पेपर पे ले जाओ, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा। तो बस यही है, आपको कमियां बता दी थोड़ी, और मेन कमी बस हीट की है, और हीट की है गाड़ी में, बाकी चिल है, और बाकी तो लुक्स है और साउंड है, हो गई साउंड है, लुक अपने पे है, इसके आगे वाइजर लगता है वो लगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाइजर नहीं लगवाना तो मैंने सीधी लाइट लगवा रखी है, और मैं कुछ अलग सोच रहा था, भैया बोल रहे थे ड्यूक 390 पे लाइट लगवा दें, तो मैं देखता हूँ वो भी अपना के देखें तरीका, जिससे क्या है थोड़ा लुक अलग ही हो जाएगा हार्ले का ना। चला के दिखा दो फिर एक बार मोहल्ले में, चला के दिखा देंगे और हमारी थोड़ी साउंड कैप्चर हो जाएगी। चलाना भी जरूरी है थोड़ा, हीट को लेकर, मतलब मेन यही कारण थे कि क्यों वो फ़ायदे में है, क्यों वो नुकसान में इस बाइक को लेने के बाद में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल करना सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं ऐसी ऐसी नई वीडियो में। ठीक है जी, राम राम। एक छोटा सा काम, ऑलराउंडर हिम्मत ब्लॉग्स जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और सुपर बाइक सेल परचेज के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू सो मच इतना प्यार प्रेम देने के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद भारत।